महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को 26 कैबिनेट मंत्री और 10 राज्य मंत्री शामिल करते हुए अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। एनसीपी नेता अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सत्ता में आने के एक महीने से ज्यादा समय बाद मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ है। चुनाव मैदान में बतौर प्रत्याशी उतरने वाले ठाकरे परिवार के पहले सदस्य आदित्य ठाकरे ने अपने पिता उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की गठबंधन सरकार में सोमवार को मंत्री पद की शपथ ली। सोमवार को 36 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें से एनसीपी के 10 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री, शिवसेना के 8 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री और कांग्रेस के 8 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री शामिल हैं। इसके साथ ही एनसीपी के कुल 12 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री हैं। शिवसेना के 10 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री हैं, जबकि कांग्रेस के 10 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री हैं। मुख्यमंत्री समेत राज्य में अब 43 मंत्री हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी ने भगवा धारण किया है जो हिंदू धर्म का चिन्ह है, लेकिन उस धर्म में रंज, हिंसा और बदले की भावना की कोई जगह नहीं है। प्रियंका ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि वो बदला लेंगे। उनके उस बयान पर पुलिस प्रशासन कायम है। इस देश के इतिहास में शायद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मीडिया की रिपोर्ट और आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 5500 लोग हिरासत में हैं और लगभग 1100 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अपनी सुरक्षा को लेकर हुए सवाल पर प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी सुरक्षा का सवाल एक बड़ा सवाल नहीं है, ये छोटा सवाल है जिस पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम प्रदेश की आम जनता की सुरक्षा का सवाल उठा रहे हैं। वहीं सीआरपीएफ ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के लखनऊ के हालिया दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा को लेकर कोई चूक नहीं हुई। साथ ही सीआरपीएफ ने प्रियंका गांधी को स्कूटर पर पीछे बैठकर यात्रा करके सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का दोषी भी ठहराया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी हनुमंत राव ने सोमवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि संघ नेता ने ये कहकर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है कि सभी 130 करोड़ भारतीय हिंदू हैं। भागवत ने 25 दिसंबर को यहां एक जनसभा में कहा कि धर्म और संस्कृति पर ध्यान दिए बिना जो लोग राष्ट्रवादी भावना रखते हैं और भारत की संस्कृति और उसकी विरासत का सम्मान करते हैं वो हिंदू हैं, पर आरएसएस देश के 130 करोड़ लोगों को हिंदू मानता है। राज्यसभा के पूर्व सदस्य राव ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि भागवत के बयान से न केवल मुस्लिमों, ईसाइयों, सिखों, पारसियों आदि की भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंची है, बल्कि ये भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ भी है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने जिले में कपा देने वाली सर्दी और कोहरे के मद्देनजर सोमवार को नर्सरी और 8वीं तक के स्कूलों को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के कारण ग्रेटर नोएडा और नोएडा में हुए अलग अलग सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस अधीक्षक रणविजय सिंह ने सोमवार को बताया कि एक परिवार के 11 सदस्य कार में बदायूं से नोएडा की तरफ आ रहे थे। रास्ते में ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में छाए घने कोहरे के कारण उनकी कार अनियंत्रित होकर खेरली नहर में गिर गई। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद नहर में से कार के अंदर फंसे 11 लोगों को बाहर निकाला। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का दायित्व निर्धारण करने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व वाली समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दी है।